हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो ये हमारा 7th सेशन है ड्रेपिंग का, और आज हमने अपना स्लीव बनाना है। हमने कॉलर बना लिया, हमने अपने जैकेट की बॉक्सी सिलोवेट बना ली, और अब हमने स्लीव बनाना है जो कि ड्रॉप शोल्डर स्लीव है। तो उसके लिए हमने दो स्टेप करने हैं। सबसे पहले एक ये है कि हमने मैनिकन के ऊपर अपनी डिज़ाइन लाइन मार्क करनी है कि जितना हमें ड्रॉप शोल्डर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपना स्लीव ट्रेस करना है और फिर उसको उसके साथ ड्रेप करना है। तो पहले मैं ट्रेसिंग वाला काम कर लूँगी ताकि मैं बाद में मैनिकन पे वो डिज़ाइन लाइन मार्क करूँ। तो ट्रेसिंग के लिए आपने ये करना है, आप अपनी कैलिको का पीस लें, उस पर एक ग्रेन लाइन मार्क करें मिडल में, और जिस तरह इस पर बाइसेप लाइन मार्क होती है मैंने इसी के नीचे ट्रेस की हुई है। अपना बेसिक स्लीव ब्लॉक रखें ग्रेन लाइन के ऊपर, जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है, इसको बिल्कुल इसी तरह रखें यहाँ पे, और इसकी ट्रेसिंग कर लें। मैंने इसकी सारी ट्रेसिंग कर ली है। मैंने यहाँ से ग्रे वाली लाइन जा रही थी, मैंने इनको नीचे मार्क किया और मैंने अपनी बाइसेप लाइन भी मार्क कर ली। तो मेरी बेसिक ट्रेसिंग डन है। अब मैं अपने मैनिकन के ऊपर अपनी डिज़ाइन लाइन मार्क करूँगी ड्रॉप शोल्डर स्लीव की। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट इज़, हमने लास्ट क्लास में अपने बॉडिस को दोबारा से लगा लिया था और हमने इस एरिया को इसी तरह रहने दिया था। तो अब मैंने इस एरिया को क्लियर करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो अपनी ई स्प्लिट को फिक्स करें। जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स किया, मैंने बैक से भी फिक्स किया सारा ई स्प्लिट को। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, मैंने बैक से फिक्स किया ताकि ये अंदर ना आ जाए। उसके बाद ध्यान से देखना आपने, मैं अब यहाँ से ना इसकी ईज को एडजस्ट करूँगी मुझे जितनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैं इसको अपने हाथ से सेट कर रही हूँ। देखें, फिर ई स्प्लिट आ रही है। यहाँ एक और मैं पिन लगा लूँगी क्योंकि आई डोंट वांट माई ई स्प्लिट तो यू नो बाहर नहीं निकलनी चाहिए वो इस तरह। अब मैं यहाँ से ना इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगी। मुझे इसकी ये फ्लफीनेस कम नहीं करनी क्योंकि मुझे चाहिए होगी, तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ अपने हाथ से। ये देखें, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी समझ आ रही है शेप की। मैं तकरीबन इसको इतना रख लूँगी, और ये आपने इसी तरह देखना है। ये एक अंदाज़ा होता है, तो इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती कि कितनी मेजरमेंट पर ये करना है, किस तरह होगा, ये बस एक अंदाज़ है। देखें, मुझे लगता है ये इतनी सी ईज़ आनी चाहिए। देखें, मैंने हल्की सी एक तकरीबन दो को फिंगर्स मेरी जा रही हैं, मैंने इतनी सी ईज़ दिया और मैंने इसको पिन कर दिया अपने बाइसेप सॉरी ग्रीन लाइन पे स्लीव की। उसी तरह मैं बैक को लेके आऊँगी। अब बैक में देखें, मेरे पास अच्छी खासी ईज़ है यहाँ पर। अगर देखें तो मैं उसी तरह जैसे कि मोनो में किया था, मैं इसको रोल इन करूँगी हाथों से, और रोल इन करते हुए ना मैं इसको पिन करूँगी। देखें, यहाँ पर आप बबल्स आ रहे हैं, ये वही बबल्स हैं जिनको मैं यहाँ ईज में एडजस्ट करूँगी। और मैं इसको भी यहाँ तक ना एक काम करना, स्निप लगा लेना अपने नॉच तक। ये देखें, अब इसको भी मैं एडजस्ट करने लगी हूँ अपने फैब्रिक को रोल इन करके। देखें, बिल्कुल इसी तरह से ये मैंने रोल इन किया। अब यहाँ मेरा डार्ट बन रहा है, एक तकरीबन बन रहा है वो 1-1.5 तक का, जितना भी आ रहा है दैट इज़ फाइन। अब यहाँ पे भी मेरा तकरीबन 2 फिंगर का गैप है, ये देखें, आराम से मेरी इजीली 2 फिंगर्स चली जाती हैं। वो रखें, और इसको भी मैं यहाँ पे आप पिन कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसको कैलिको के साथ पकड़ूँगी। अब इस पिन के वक्त मैं वो नीचे वाला फैब्रिक रिबन के साथ या स्लीव के साथ नहीं पिन करूँगी। अब मैं देखें, ये पिन खोलने लगी हूँ और मैं इसके साथ पिन करने लगी हूँ, सिर्फ दोनों कैलिको उसको पकड़ूंगी। अब मैंने जब उसको पकड़ लिया ना, मैं अपने स्लीव की ईज देखूंगी कि क्या मैंने जो ईज दी है वो मुझे ठीक लग रही है। तो देखें यहाँ पे, तो मुझे तो बिल्कुल ये ठीक लग रही है, मुझे इतनी ही चाहिए थी। अब मैं यहाँ पिन लगा लेती हूँ इसको स्टे कराने के लिए। ये देखें, ये मेरी डार्ट में चली जाएगी और मुझे तकरीबन इतनी ही चाहिए थी। अगर मैं इसकी ईज बताऊँ आपको तो मेरी, ये देखें, पूरा हाथ आराम से अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये तकरीबन इतनी ईज होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ना अपनी एक डिज़ाइन लाइन मार्क करनी है, और वो डिज़ाइन लाइन मैं उससे देखूँगी जिस तरह मेरा स्केच है, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूँगी।